तो देखिए गाइस, आज हम जा रहे हैं नैनीताल को स्नोफॉल देखने के लिए। हमारे साथ हैं आरव भाई और गूंज, और हमारे साथ ताई जी भी जा रही हैं। तो अभी हम ब्रिज पे रुके हैं, देखिए। ये देखिए गाइस, वहाँ पे सब अपना शूट कर रहे हैं। और ये देखिए भाई साहब, क्या ही ब्रिज है। इधर से देखते हैं नीचे। ओ भाई, ओ भाई, अल्टीमेट लग रहा है गाइस। लेकिन हम तो बर्फ देखने आए हैं, ये सब इतनी धूप देख के लग नहीं रहा है कि हमको बर्फ मिलेगी। लेकिन ताई जी बोल रही है कि बर्फ एक जगह है पनगोड, वहां पे बर्फ मिलेगी। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अभी नैनीताल। हमको स्नोफॉल देखना था, लेकिन स्नोफॉल नहीं, बर्फ तो मिली गई। और बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे, जितना सोचा था उससे भी बर्फ अभी बची होगी, है ना। बहुत ज्यादा सही लग रहा है, और जबकि धूप भी है इतनी, फिर भी मेल्ट नहीं हुई ना। ये देखो पूरी, ऑल क्रेडिट गोज टू ताई। ताई ने बताया पनकोट में बर्फ गिरी हो, बची होगी अभी। वही वही, यार पूरा। लेकिन बालों की माँ बहन हो गई गाइस हेलमेट पहन के, फिर भी कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, हमारे ब्लॉगर सारे सब बर्फ बर्फ बर्फ, सब ब्लॉगर हमारे सब जगह रूई बैठा दिए धीरे धीरे। गाइस लग रहा है टोपी की जरूरत आ चुकी है अब। और अब मैंने तो टोपी पहन चुका हूँ। देखिए अभी हमने क्या मस्त बर्फ मिल रही है, और बहुत ज्यादा फन हो रहा है, मजा आ गया। अभी आपको मैं दिखाता हूँ आगे का कैमरा फ्लिप करके, देखिए। गाइस यहाँ पे लद्दाख वाला फील आ रहा है, लेकिन ठंडा बहुत है। आइए गाइस आपको दिखाते हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग के लिए। अभी आरव भाई ऊपर चले गए हैं, अब हम भी जा रहे हैं, देखते हैं अगर ऊपर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। मैं तो गिरने के लिए आया हूँ। मैं तो आया ही गिरने के लिए हूँ। ओ भाई, मेरे को ऊपर गिरना था, पहले ही गिर गया। तो गाइस बड़ी मुश्किल से अभी हम पहुंचे हैं। देखिए ये यहाँ पे से चढ़ना है, कोई यहाँ पे से पास नहीं हो रहा, सब यहाँ पे गिर जा रहे हैं। मैं और अतुल भाई भी बड़ी मुश्किल से चढ़े थे गाइस। थोड़ा और ऊपर चलते हैं।
देखो हमारा पता क्या, हम एक दूसरे के उसमें ना आ नहीं पा रहे थे अपने वीडियो में, तो हमने अपना मोबाइल ही बदल लिया। अब ये मेरे मोबाइल से बनाएगा मैं इसके, तो हम दोनों दिख जाएंगे व्लॉग में, क्या बोलता है? सही, सही, चलो इसी बात में। तो भैया आप ये चढ़ना है हमको ऊपर को, लेकिन ये बहुत टफ है गाइस चढ़ना। अरे यार पता, जूते हमें स्पाइक्स वाले पहन के आने थे यहाँ, और ऊपर से हम हेलमेट और हाथ में लेके आए यार, बड़ा मुश्किल है। तो भाई साहब गया भाई, बहुत मुश्किल हो रहा चढ़ना। मैं तो अभी नीचे गिरा हूँ, मेरा तो हाथ में लग गई। अरे वो देखो उधर सब गिर रहे हैं यहाँ। अरे भाई यार इतना भी मुश्किल, खुद भी गिरोगे हमें भी ले जाओगे घसीट के। भाई साहब यहाँ फिसला यार बड़ा। तो भाई बहुत देर मेहनत करने के बाद और गिरते तरते हम लोग फाइनली ऊपर चढ़ ही गए। देखिए पूरा इधर इसमें इसमें हम उधर से गाइस चढ़ के आए हैं पूरा, और इतनी बार गिरे हैं फाइनली आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग पहुँच ही गए। तो अभी यहाँ पे ये लोग तो रील्स बना रहे हैं, और मैं सोचा कि देखो कितनी सॉफ्ट बर्फ है, हाथ पे नहीं आ रही, ये देखो हाथ पे आ गए। हाँ इधर के लोग आए नहीं है ना, चल नहीं रहेंगे ये। ताई मजा आ रहे हैं ना फिर? बहुत ज्यादा बहुत मजा आ रहे ना। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का अब तो, यहाँ पे और ठंडा स्टार्ट हो गया है। और हम अभी गाइस स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है शायद यहाँ, और अभी और ज्यादा यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है। अभी आ रहा भाई गए गाइज, रियली बहुत अल्टीमेट फन था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये हमारे सीजन की फर्स्ट स्नो थी, स्नोफॉल तो नहीं मिला लेकिन स्नो मिल गई। आई होप आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में स्नोफॉल भी हम दिखाएंगे। और पूरे हाथ हमारे रेड हो चुके हैं। और ताई बोल रही पैंट गीली है, इतनी बर्फ में तो गीली होगी। हम लोग कितना स्लिप किया गाइस, बहुत हमने मजा किया है। और मेरे को तो लगता है मेरे हाथ में और मेरे बैक में भी शायद चोट वोट लग गई है, हम इतना फिसले गाइस। तो आई होप यू आर इंजॉइंग द व्लॉग, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अभी क्या मस्त धूप मिल रही है गाइस। गाइस अब हम वापस हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं। आज हमने जो मजा किया है ना बहुत ज्यादा, मतलब लेकिन ये शताब्दियों में एक होता है सा, पता है शताब्दियों में होता है, नक्षत्र एक ही लाइन में, सारे नक्षत्र एक ही, यार कौन नहीं बीच में, सारे नक्षत्र एक ही लाइन में आते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ये देखो लड़कियों गलत भाई में रहती की व्यूज उनसे आएंगे, दिखा दो लड़कों से भी व्यूज आते हैं, दिखाओ। सुनो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियां तो मेरी वजह से आएंगी ना, इनकी शक्ल कोई बात नहीं, कोई लड़की इनको मिल, लड़कों की हमारे छोरियों से कम है ज्यादा आ जाएंगी, हमारे छोरे कम है के गाइस, पता है पूरे उधर पे लड़कियां हमको देख रही थी, हम दोनों को पीछे देख रही थी, पलट 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 के सारी बर्फ पिघला दी हमारी हॉटनेस ने भाई। चार पांच लड़कियां दूर से मैंने देखा बात कर रही थी, ये नमूने हैं कौन आजकल के बच्चों को देखो, मां साथ में घूम रही है और कह रहे हैं लड़कियां लड़कियां चिल्ला रहे हैं। देखो हमने कब कहा, हमने थोड़ी कुछ कहा, नमूने घूम रहे हैं क्या कर रहे हो तुम, तो हमने ये बोला कि ऐसा बोल रहे थे कि नमूने। गाइस हमारी हॉटनेस ने पूरी बर्फ पिघला दी है। अरे बाप रे, अब गाइस हम लोग बहुत सारी रील्स बना के वापस हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं, और ये एक मंदिर है, और इतना ज्यादा देखिए हमारी पूरी टीम पीछे से आ रही है और यहाँ पे एक मंदिर भी है गाइस। हाँ मतलब ऐसा कि
वहाँ तो बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आके गाइस मजा आ गया। गाइस देखिए अब हम वापस जा रहे हैं और अभी थोड़ी थोड़ी पीछे तो बहुत ज्यादा बर्फ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे सिटी की तरफ जा रहे हैं थोड़ी बर्फ कम हो रही है, लेकिन ठंड भाई साहब उतनी ही है। गाइस अभी हम देखिए बीच में रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, हमको बहुत ठंडा लगे, हमको एक कार्ड दिखा है यहाँ पे, तो हमने इस कार्ड पे चाय और गूंज शायद मोमोज खा रही है, ताई भी चाय या कॉफी देगी। और ये देखिए गाइस ठंड, इनको इतनी ठंड लग रही है, ये अपने को सुखा रहे हैं, तो फिर ये मजा हम भी ले लेते हैं, तो फिर पहाड़ का मजा हम भी ले लेते हैं। अब तो इमेजिन करो अफ्रीका में बैठ के अगर हम आग सेकें कैसा लगेगा, यही मजा है इधर का। गाइस आप भी गर्मी ले लो वीडियोस के थ्रू, बस इतना मत आग के अंदर आग के अंदर मत जाना, दूर से दूर से गर्मी ले लो गाइस।